तो हेलो एवरीवन, तो एज का हम एग्जांपल सिक्स करने वाले हैं। देखिए, पिछला हमने एग्जांपल फाइव किया था, वो रेशियो के ऊपर ही था जिसमें रेशियो प्लस एजेस के क्वेश्चन थे। अब ये थोड़ा उससे थोड़ा मतलब उससे थोड़ा हार्ड लेवल का है, पर आपको ये क्वेश्चन करने के बाद कोई रेशियो एजेस में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप आराम से कर सकते हो। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ सुदीप एंड मधु इज 3:4। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसमें भी हम सेम एक चीज़ लेके चलेंगे कि जो एस बाय एम यानी कि सुदीपा एस के लिए, मधु के लिए एम इक्वल टू दे रखा है 3:4। ठीक है, अभी रेशियो को आप ज़्यादा ध्यान से मत समझिए, क्योंकि अभी रेशियो को हम अलग से पढ़ने वाले, तो रेशियो के लिए ज़्यादा वो मत करिए। ठीक है, ये दे रखा है हमें एस बाय एम इक्वल टू 3:4। और एक चीज़ और फिर कहता था, रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम 4:5 6 ईयर्स हैंस। और मैंने आपको बताया हैंस और आफ्टर और लेटर, इन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, या तो आप बोलो हैंस, या बोलो आफ्टर, या आप बोलो लेटर, इन तीनों का मतलब है प्लस, मैंने आपको बता दिया। और अगर आप बात करो एगो बिफोर, इसका मतलब है प्रेजेंट एज, इसमें प्रेजेंट एज में से माइनस कर दो। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हमारी ये है, और हमें कहता है कि 6 साल बाद इनका जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है 4:5। तो सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर मैं सुदीपा की एज में 6+ करूं और मधु की एज में 6+ करूं, प्रेजेंट एज ये थी, इनमें प्लस प्लस 6 ऐड करूं, तो इनका जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है 4:5। ठीक है, 4:5 बन गया। अब सिंपल सी बात है, अब हमें एक इक्वेशन दिख रही होगी कि ये इक्वेशन बन गई हमारी, पर हमें इसमें ना तो एस की वैल्यू पता ना एम की वैल्यू पता है। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं एस की वैल्यू। अगर हम ले एस इक्वल टू 3:4 m, अगर हमने एस की वैल्यू यहाँ से निकाल के हमने रख दिया पुट एस इन इक्वेशन 1, इससे क्या होगा, इससे m की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, एक बार m की वैल्यू निकल जाए तो मधु की प्रेजेंट एज ही तो चाहिए, मधु की प्रेजेंट एज निकल जाएगी, m की वैल्यू चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, s की जगह रख देते हैं 3:4 m+6 डिवाइड बाय m+6 इक्वल टू 4:5। ठीक है, जगह कम नहीं है तो मैं उधर लिख देता हूँ 3:4 m+6, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4:5 m+6। ठीक है, 3:4 m+6 इसकी हो जाएगी 4:5 m+6, 4:24/5। ठीक है, सिंपल सा समझ में आ रहा है आपको जो मैं कर रहा हूँ, है ना। ऐसी करते करते अगर हम 3:4 को उधर ले जाए और ऐसे करके इसको 24 को यहाँ पे ले जाए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। या तो आप 5 की मल्टीप्लाई सबसे कर दो, अगर आप यहाँ से कॉमन ले लो, चलो मैं इसको एक और आसान स्टेप कर देता हूँ, ये सब छोड़ो रुको, मैं क्या कर रहा हूँ 5 को उधर ले जा रहा हूँ और सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए जल्दी से करने के लिए, 5 3 15 4 m+6 5 30, तो ये हो जाएगा 4 m+60 24। ठीक है, 15 4 m-4 m=24 -30। ठीक है, जो भी करोगे आपको कट बिटा के जो आंसर मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ क्या बनेगा। 4 ले लिया कॉमन, यहाँ आ गया 15 m-16 m = -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा -m·4 -6, ये कट गया तो m की वैल्यू हो गई 6:24। तो मधु की एज है 24, और हमें यही पूछा, मधु की प्रेजेंट एज पूछा है, वो प्रेजेंट एज का m यानी कि m चाहिए, तो मधु की एज है 24 ईयर्स। ये था इसका आंसर और सॉल्यूशन। तो ऐसे करना है आपको रेशियो का, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बन जाए तो आपको ऐसे सॉल्व करना। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले एग्जांपल में। तो रेशियो के आपको आई होप समझ में आ गया होगा।